भगवान की कथा में और भगवान के स्थान पर आकर कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। जितनी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, बाहर सबको फूटी में टांग आइए। बाहर शायद लिखा हुआ भी होगा कि कृपया जूते, चप्पल और अपना अहंकार टांग करके भीतर आइए। न लिखा हो तो कल से लिखवा देना, उसे लिखा हुआ होना चाहिए, हमारा नेसेसरी है। मैं जहां जाता हूं लिखवाता हूं, अपने अहंकार, जूते और चप्पल बाहर खोल के अंदर आओ। अहंकारियों का अंदर प्रवेश बंद है, क्योंकि ये तो अहंकार भंजन का स्थान है। रावण और कंस इत्यादि का अहंकार भंजन हुआ यहां। यहां अहंकार नहीं, उस बड़े सरकार से मिलने आए हैं, करतार से मिलने आए हैं। अहंकार की यहां क्या जरूरत है, अहंकार यहां क्या करेगा। यहां उपाधियों को लेकर के मत आना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वो हूं, कुछ नहीं हो। एक झटके में मृत्यु सब छीन लेती है। राजा रंक फकीर, न कोई था न कोई है जिंदगी में बस तेरे सिवा। पर हमारी सारी जिंदगी हमें जैसा बनना चाहिए उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि हमें कैसे दिखना चाहिए उसमें अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट करते। विगत 7 दिनों से महाराष्ट्र की भूमि, विदर्भ की भूमि, नागपुर में मैं था। 70% गला वहां के माइक वालों ने खा लिया, बचा खुचा 30% मैंने चैनपुर के लिए रखा था, तुम खा जाओ, उसके बाद मैं मौन व्रत में चला जाऊंगा। और बढ़ाओ, कोई पेट्रोल थोड़ी लग रहा, डीजल थोड़ी लग रही तुम्हारी इसमें। किसी भी वस्तु को स्वीकार करने से पहले आपका पात्र तैयार होना चाहिए। दूध चाहिए, पर कीचड़ युक्त बर्तन में लोगे तो कैसे काम चलेगा।